नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इन्फिनिटी टेक मोनो चैनल में। दोस्तों आज बहुत ही अच्छा वीडियो आज बनाने वाला हूं और आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं कि आज किस पर वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर यदि आपके पास अगर बजाज की इलेक्ट्रिक या CNG कम्पैक्ट गाड़ी है या लोडर है, मैक्सिमा है, बजाज की किसी भी गाड़ी है, तो आपके जो है आपके लिए वीडियो आपके लिए ही है। तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर तक रखें, और नहीं तो आजकल की भागदौड़ ज़िंदगी में आप जो है ये वीडियो मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज गाड़ी जो है ऑटो आप लोग अगर लिए हैं, जिसके पास ऑटो है, तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सेल्फ जो है दिक्कत कर जाती है, सेल्फ नहीं बचती है, नहीं बोलती है, तो आप उसको कैसे सही करें। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है। जैसा कि आपको बता दें, उसमें आपका कार्बन प्लेट होती है, कार्बन प्लेट दिक्कत कर जाती है, जल जाती है तो भी दिक्कत हो जाती है। यदि आपका आर्मेचर प्रॉब्लम कर रहा है तो भी आर्मेचर जो है जल जाता है तो भी आपको दिक्कत होती है, गाड़ी लोड नहीं लेती है। या आर्मेचर का जो आगे का सतह होता है जिससे हमारी कार्बन प्लेट चलाती है, जिसको वहाँ पे जो है गड्ढा हो जाता है, तो उस चक्कर में हमारी जो है सेल्फ लोड नहीं लगती है। दोस्तों और आपको बता दें कि कड़ा क्या होता है और इसमें जो गुच्छा क्या होता है। दोस्तों आगे जो है इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, तो चलिए आज चलते हैं उस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये आपका कार्बन प्लेट सेट किया जा रहा है। जैसा कि मैं पेचकस से जो है कार्बन प्लेट को टाइट कर लेता हूँ, इसमें 3-4 पेच लगते हैं जिससे कार्बन प्लेट को टाइट किया जाता है, और जो उसके अंदर कार्बन होती हैं उसको हम लोग जो है बारीकी से टाइट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, यदि आपके सेल्फ में कोई दिक्कत आ रही हो, तो सबसे पहले कार्बन प्लेट दिक्कत करती है, और देखिए ये इस हिसाब से जो है इसको पेज को लगाया जाता है। तो मैं दूसरा वाला टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर अगर नए हों तो वीडियो को ज़रूर जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आप किस सिटी से हैं। दोस्तों देखिए ये, अब मैं इस पेज को भी टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखिए, ये होती हैं कार्बन प्लेटें, और अपना ये आप इसको जानते होंगे आर्मेचर है। और तो देखिए जो है आर्मेचर का ये अगला भाग होता है, जो अंदर जा करने के बाद कुंडली यानी गुच्छे को ये चलाता है, और ये आपका यही कार्बन प्लेट के अंदर जाने के बाद ये जो आपका इस पर जो है वोल्टेज दिया जाता है, तो ये पूरे को जो घुमाता है। ये देखिए में क्या है कि एक में नट टूट गया था तो हमें दूसरा लगाना पड़ा सेल्फ में, तो ये पूरी डिब्बी यानी एक डिब्बी पूरी जो है दिक्कत कर गई थी आपका। ये आप देख रहे होंगे, ये है कार्बन प्लेट। दोस्तों ये कार्बन प्लेट होती है, जल जाती है, और इसके बाद देखिए आपका ये इंजन के बिल्कुल ठीक पहले कुंडली लगी थी, यानी इसको कहते हैं हम लोग गुच्छा कहते हैं। और देखिए दोस्तों किस हिसाब से आपका ये किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक 4 कांटियाँ ले लेते हैं, और जैसे माचिस की 4 कांटियाँ होती हैं, तो चारों कांटियों को जो है एक एक बारीक करके सबसे पहले एक इस कार्बन को लगाने के बाद फिर एक माचिस की तीली को लगा देते हैं, उसके बाद दूसरे कार्बन को इसको हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर घुसाने के बाद फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हैं। यानी आपका जो है ये कार्बन प्लेट लगाने, कार्बन लगाने के बाद फिर एक माचिस जो है माचिस की तीली लगा देते हैं। और दोस्तों अब ये देखिए लगा रहे हैं, उसके बाद जब ये लग जाएगी तो इसको छोड़ देते हैं। फिर इसको हम तीसरा वाला लगा रहे हैं। दोस्तों देखिए आपका ये तीसरा जो है कार्बन लग रहा है, तो तीसरे में क्या होता है, देखो ये जो है आपका घुमा लिया जाता है। मान लीजिए ये जैसे कि वोल्टेज इसमें दिया जा रहा है यानी सेल्फ लिया जा रहा है, और उसके बाद क्या होता है कि अगर ये हल्की ढीली होती है तो जल्दी कार्बन प्लेट ख़राब होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले अच्छे से घुमा लेते हैं कार्बन, यानी जो है आपका जो इसमें वायर लगा हुआ है छोटे छोटे तांबा वाले यानी कॉपर वाले, तो वो जो है काफ़ी अच्छे से आपका जो है जमोट के पकड़ लिया यानी कस के जो है जकड़ लिया आपस में। देखिए तीन लग गए हैं दोस्तों, अब चौथा कार्बन लग रहा है। चौथे कार्बन में क्या होता है कि फिर से एक बार जो आपका एक कांटी जो है फिर से लगाई जाती है ताकि जो उसी पर रुक जाए। अब रुकने के बाद दोस्तों हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसमें आर्मेचर को लगाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आर्मेचर के एकदम चिकने सतह पर जैसे कि पुल्ली कहते हैं, तो पुल्ली पर जो है हम वो लगा देते हैं ग्रीस। ग्रीस लगाने के बाद देखिए किस हिसाब से आपका ये लगता है। दोस्तों जब ये हम आर्मेचर इसके अंदर लगा देते हैं डिब्बे के अंदर, और जब ये कार्बन जमोट के पकड़ लेता है तो चारों कांटियों को जो है यानी हम हटा देते हैं। उसके बाद फिर इसका जो है मैग्नेट वाला भाग ले लेते हैं, मैग्नेट भाग को साफ़ करने के बाद इसको वापस जो है हम इसमें सेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों
आपको दिखाई दे रहा है, यह चुंबकीय, इसमें चुंबकीय करण प्रकरण होती है, तो ये जो है थोड़ा सावधानी से उसको घुसा जाता है, नहीं तो ये बाहर फेंक देती है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना दोस्तों, आपके सेल्फ में एक पाई का निशान होता है, पाई कर लीजिए, खांचा कर लीजिए, तो दोस्तों देखिए पाई से पाई मिला लेते हैं दोनों में, यानी खांचे से खांचे से दोनों जो इसका बुल्ट होता है वो हम घुसा लेते हैं टाइट करके, और उसके बाद तो फिर इसको फिटिंग पे ले जा करते हैं, यानी फिक्स करते हैं। तो अब मैं इसकी जो है फिटिंग आपको करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से फिटिंग होती है इसकी। तो सबसे पहले इंजन के नीचे जाएंगे, इंजन नीचे से बगल में जो लगा है वहाँ पर ये अब फिटिंग कर जाता है। तो देखिए देखिए दोस्तों अभी ये खांचा मिलाया जा गया है, देखिए इसमें जो पहले से लगा हुआ जहाँ गुच्छा लगा है उसके पहले थोड़ा सा देखिए ये खांचे हैं, और आपको ये खांचा देखिए अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए खांचा है इसको, और इसमें मिलाने के बाद खांचे को तब इसमें जो है आपका बुल्ट टाइट किया जाएगा। बुल्ट होता है जो है आपका 8 नंबर की गोटी और टामी हो, तो 8 नंबर की गोटी टामी से इसको हम बुल्ट को ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छे से टाइट कर लेते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके इसको आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी मैकेनिक लोग और भी हमारे जितने भी ऑटो के कस्टमर हैं या ग्राहक हैं वो सभी लोग देख सकें। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसको सपोर्ट रखने के लिए इसमें एक नट और एक क्लैंप लगती है, तो जो है बुल्ट और क्लैंप, तो बुल्ट और क्लैंप को सपोर्ट के लिए हम लोग लगा देते हैं। देखिए जैसे कि लगाया जा रहा है आपको सामने दिख रहा होगा। उसके बाद फिर ये होती है हमारी मेन लाइन, मेन लाइन मतलब ये होती है बैटरी से जो बैटरी और इंजन से होकर के आती है, ये हमारी जो है मेन लाइन होती है, यानी प्लस वाला जो भाग होता है वो जो है इसके आर्मेचर के, आर्मेचर और कार्बन प्लेट से निकला हुआ जो ये होता है सेल्फ से, इसमें हम लोग फिर 10 नंबर के बुल नट से टाइट कर लेते हैं। दोस्तों काफ़ी जो है मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम लोग, कृपया करके आप सभी लोग पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। और इसको स्किप करके देखेंगे तो आप जो है कुछ जानकारी को मिस कर जाएंगे, और जब अपनी गाड़ी का वर्क करेंगे या टेक्नीशियन भाई वर्क करेंगे तो आप जो है सही से इसको फिक्स नहीं कर पाएंगे, फिर गाड़ी आपकी दिक्कत में आएगी। तो दोस्तों 10 नंबर के रेंज से हम इसको 10 नंबर नट को टाइट कर लेते हैं। उसके बाद इस गाड़ी को जब इसमें सेल्फ को फिक्स कर लेंगे उसके बाद स्टार्ट कर लें, और उसके बाद चलिए चेक करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके इसकी जो है क्या पोजीशन है। तो दोस्तों इसको हम चालू करने के लिए जो है स्टार्ट करने के लिए तैयार करते हैं, आइए चलेंगे चालू करते हैं गाड़ी को। दोस्तों अब मैं इसमें सेल्फ लेता हूँ और देखिए सेल्फ में देखिए, तो दोस्तों देखिए गाड़ी की स्टार्ट हो गई है और आपका जो है काफ़ी अच्छी साउंड आ रही है। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो कृपया इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप से लेते हैं विदा, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।